हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। भागवत कहती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले भक्ति दर्शन को नहीं कहा गया, आंखों को नहीं कहा गया, भक्ति कर्ण से शुरू होती है, कानों से। सूरदास भी होंगे, बिल्व मंगल भी होंगे, तब भी काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कान होना चाहिए, श्रवण चाहिए। गोपी तो कही रही है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम, दर्शनम मंगलम नहीं कह रही गोपी कि तुम्हारा दर्शन बड़ा मंगल है, श्रवण मंगल है। भगवान ने पूछा भी गोपी एक तरफ मैं रहूं और एक तरफ मेरी कथा चले तो तुम कहां जाओगी? गोपियों ने कहा कथा की तरफ। सोच समझ के बोलो, बोला बहुत सोच के बोल रही तुम किसी के हो, जहां जन्म लिए उसको छोड़ के गोकुल भाग गए। 11 साल तक यशोदा अपने गोद में खिलाई, छोड़ के फिर मथुरा भाग आए। मथुरा से भागे द्वारिका और द्वारिका से फिर बैठ के ऐसे कहे कि हम चल रहे हैं अपने गोलोक में, तुम किसी को हो ही नहीं महाराज, तुमसे ज्यादा प्यारी तुम्हारी कथा है, तुम हृदय में बस सको ये कथा ही कर सकती है। दुर्योधन ने ठीक से कथा नहीं सुना होगा इसलिए कृष्ण का अपमान कर दिया। रावण बड़ा वेदज्ञ विद्वान था लेकिन कर्मकांडी था। वाह 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 वाह, दे दो भाई कुछ उसको, क्या लेगा? हाँ बोला ये बाबा खाली कथा सुनाता है, कुछ देता नहीं, मैया तू कुछ दे। भजन बनाने वाले भी एक से एक हैं दुनिया में। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने। 2 कौड़ी का भजन है महाराज, अध्यात्म में इस भजन का कोई महत्व ही नहीं है। भजन के नाम पर तुमको जो कुछ भी परोसे गए हैं, सूर मीरा कबीर तुलसी इत्यादि के अलावा, वो सब अगर एक प्रत्यक्ष जीवंत गुरु के अभाव में सुन लोगे तो एक लाइन तो हो सकता है भगवान की तरफ मोड़ दे, दूसरा लाइन तुम्हें भगवान से दूर ले जाएगा। इसलिए बी अवेयर, सावधान। कुछ भी गा लिए, कुछ भी कह दिया, कुछ भी चले गए, किसी भी व्यक्ति को अगर भोजन दो तो 3 दिन तक पेट में रह जाए, जल दो 1 दिन तक रह जाए, वस्त्र दो 1 वर्ष तक रखेगा, पर याद रखो प्रहलाद और ध्रुव को नारद जी ने ज्ञान दे दिया तो जन्म जन्मांतर तक राक्षस के घर में पैदा लेके भी महाभागवत हो गए। वो ज्ञान का दान था, वो जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक काम आता है। इसलिए दानों में भी अगर सर्वश्रेष्ठ दान है तो ज्ञान दान है, भगवत कथा दान है, द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिए, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ, कैसे हमारी जिंदगी में आनंद हो, प्रसन्नता हो, मस्ती हो, ये कोई दान करता है वो श्रेष्ठ है। ये कपड़े पानी देने वाले गली गली में है, जंगल चले जाओ पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाओ किसी नदी के किनारे बस जाओ, किसी प्यासे को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, का इतने प्यासे बने हुए हो। जंगलों में चले जाओ तो बता दिया पत्ता खा के भी जिंदा रह सकते हो, जरूरत भी नहीं है किसी अन्न का, पत्ते खा के जिंदा रह सकते हो, पुष्प खा के जिंदा रह सकते हो, फल खा के जिंदा रह सकते हो। पूरे 25 महीने तक बिना जल के, बिना किसी अन्न के मैं खुद जिंदा रहा हूं, 1 ग्लास कोई एक फ्रूट का जूस 25 महीने तक, 2 वर्ष 1 महीने, अभी 2018 में कुछ तो नहीं बिगड़ा मेरा, बन ही गया बहुत कुछ, क्या बिगड़ गया? यह महत्वपूर्ण नहीं है,